केंद्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री सह बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी रोहतास जिले के सासाराम में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आरजेडी के साथ जाकर नीतीश कुमार जीवन में दो बार गलती कर चुके हैं, अब ये तीसरी बार ये गलती नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश कुमार में परिपक्वता आई है, वो दो बार आरजेडी के साथ जाकर खामियाजा भुगत चुके हैं, अब वो आगे कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे। ये उनकी अच्छी सोच है और ये बात वो बार बार दोहराते रहते हैं। आज नहीं बोले, ये तो पहले भी बोलते रहे हैं कि अब हम कहीं नहीं जाएंगे, अब जहां हम हैं वहीं रहेंगे, और ये उनकी परिपक्वता दिखती है। हम भी कहते हैं कि नहीं जाना चाहिए, गलती से या जिन कारणों से महागठबंधन छोड़ करके कि महागठबंधन में चले आए थे एनडीए छोड़ करके, उसका खामियाजा भुगतना पड़ा, और आज फिर जब वो कह रहे हैं कि हम ऐसा न करेंगे, तो हम भी मानते हैं कि अच्छी सोच के तहत वो कर रहे हैं, उनको सही है कि कहीं नहीं जाना चाहिए। और इसलिए भी कि देश का नेतृत्व ऐसे लोगों के हाथ में है, खासकर नरेंद्र मोदी जी का, जो हम कह सकते हैं कि विश्व शांति दूत के रूप में काम कर रहे हैं। आज यूक्रेन और रूस में कोई हिम्मत कर रहा था कि कोई बात करे उससे संसार के लोग, लेकिन वाहिद आदमी है नरेंद्र भाई मोदी जी जिन्होंने पुतिन से भी बात किया और जेलेंस्की से भी बात किया। और आज अखबार में देखा होगा आप कि पुतिन ने माना कि मध्यस्थता करे हिंदुस्तान, हम मानेंगे। वहीं तेजस्वी यादव कुशवाहा समाज को साथ आने की बात कह रहे हैं। इस पर उन्होंने कहा कि वो सिर्फ थेतराई कर रहे हैं, जनता ने उन्हें कई साल तक मौका दिया, लेकिन आज भी दलित पिछड़ा और अल्पसंख्यक की स्थिति नहीं सुधरी है। शेड्यूल कास्ट, उनके उनके पिताजी की तो एक ही कहानी थी कि लाठी में तेल पिलाओ और लाठी भंजाओ, लाठी भांजो, इससे बिहार चलेगा क्या? तो वही चीज़ ना वो कर रहे हैं, वही ऑनलाइन पर ना चल रहे हैं, तो क्या विकास करेंगे? कितने यूनिवर्सिटी खुलवाए थे, कितने मेडिकल कॉलेज खुलवाए थे, तो इस तरह का काम तो कुछ किया नहीं। लाइन ऑर्डर तो आज जैसे पूछ रहे हैं कि लाइन ऑर्डर है, मैं मानता हूँ कि थोड़ी गड़बड़ी हुई है, लेकिन ये नहीं हो रहा है कि लाइन ऑर्डर का जो विक्टिम होता है वो सीएम हाउस में जाता है और सीएम हाउस में दोनों पक्ष को बुला करके निगोशिएशन किया जाता है। ऐसा तो नहीं हो रहा है यहाँ, और नहीं तो पहले यही होता था, उसमें हमारा राजद में ही थे, इसलिए हम जानते हैं अंदर की कहानी। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते, उन लोगों को कहने का कोई मोरल अधिकार नहीं, अगर कहते हैं तो थेथरई है, थेथरोलॉजी है। वहीं बढ़ते क्राइम पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि रोहतास जिला हो या बिहार हो, अपराध बढ़ गए हैं, कुछ घटनाएं बड़ी हैं, इसके पीछे कहीं न कहीं हमको कुछ राजनीतिक गंध भी लगती है, कुछ इस तरह से बढ़ जाना और घट जाना ये पछता नहीं है। वैसे तो 14 करोड़ की आबादी के आपराधिक फ्री होना संभव नहीं है, छोटी मोटी घटनाएं हो सकती हैं, लेकिन एक बात जरूर है और नीतीश कुमार को इसके लिए सराहना करते हैं कि घटना होने के तुरंत बाद कार्रवाई करते हैं, इसके लिए SIT का गठन या कोई अन्य प्रक्रिया अपना कर उसका खुलासा करते हैं। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बिहार सरकार सजग है, इसको लेकर अधिकारियों का तबादला किया गया है और DGP को भी बदला गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी TV।